आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि उसकी नौकरी अच्छी चलती रहे, उसमें तरक्की हो। जो लोग बिजनेस करते हैं वो चाहते हैं उनका व्यापार अच्छा चलता रहे, तो नौकरी और रोजगार के सुख के लिए क्या उपाय करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि प्रवीण जी की सारी योग्यता होती है, सारी काबिलियत होती है, लेकिन नौकरी स्टेबल नहीं रह पाती, रोजगार स्टेबल नहीं रह पाता, तो रोजगार और नौकरी के मामले में सुख नहीं मिल पाता। यानी आपके अंदर योग्यता बहुत है, आपके प्रयास बहुत हैं, एफर्ट बहुत हैं, नौकरी में सैलरी कम मिल रही है, बॉस के साथ तालमेल अच्छा नहीं है, तो नौकरी में हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, आनंद नहीं है। क्या करें कि नौकरी रोजगार का सुख मिले? रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना शुरू करिए और हर नौकरी पेशा व्यक्ति को रोज शाम को शनि मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाइए रोज सुबह। एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग अपने राइट हैंड की दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में, मध्यमा अंगुली में धारण करिए। अपने घर की रसोई में पूरी तरह से साफ सफाई रखिए और शनिवार को काले चने जरूर खाइए। यानी मोटे तौर पे रोजगार और नौकरी के लिए जो शनि वाला हिस्सा है उसको उभार लीजिए, जो शनि वाला हिस्सा है उसको अपलिफ्ट कर लीजिए। शनि वाला हिस्सा अपलिफ्ट कर लेंगे तो आपको रोजगार का और नौकरी का सुख बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन से ग्रह आपके जीवन को सुखी बनाने में मदद कर सकते हैं, जीवन में अलग अलग तरह के सुख हैं, उन सुखों को पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई कर लेता है, काम शुरू कर लेता है, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि इसकी समय पर शादी हो जाए जी। तो मैरिज के लिए और वैवाहिक सुख के लिए क्या उपाय करें? सबसे बड़ी जो समस्या है आज के समय में वो मैरिटल हार्मनी है, वैवाहिक सुख है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं शादी तो चल रही है, जिंदगी भी चल रही है, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन से मैं सुखी नहीं हूँ, केवल चला रहा हूँ सामाजिक मान्यताओं की वजह से। देखिए, विवाह का जो सुख है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और विवाह के सुख के पीछे सबसे बड़ी भूमिका होती है शुक्र की। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर शुक्र अच्छा नहीं है, आप लाख प्रयास कर लीजिए, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं होगा। शुक्र को ताकत देना जरूरी है और शुक्र के अलावा जो वैवाहिक जीवन में पेशेंस पैदा करता है, जो वैवाहिक जीवन में धैर्य पैदा करता है, उसे कहते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति, पेशेंस और शुक्र, हैप्पीनेस, दोनों को मिला के पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुंदर बन जाता है। क्या उपाय करें कि विवाह और वैवाहिक जीवन बेहतर हो? रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, डेली मॉर्निंग। हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, अगर संस्कृत में नहीं कर सकते हिंदी में करिए। केले की जड़ को पीले डोरे में या पीले धागे में लपेट करके बृहस्पतिवार को प्रातः अपने गले में धारण करिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर बृहस्पतिवार को एक हल्दी से स्वस्तिक बना दीजिए और इसे बना रहने दीजिए। और जहां तक हो सके शुक्रवार को भगवान शिव को खीर का भोग लगाइए, चावल की खीर बनाइए, भगवान शिव माँ पार्वती को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में पति पत्नी इसको ग्रहण करिए। खीर अगर उपलब्ध नहीं है तो आप सफेद मिठाई का भोग लगाकर भी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।